हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र मौजीदरा आपका स्वागत करता हूं गुजरात स्टेट चेस एसोसिएशन में। आज के इस वीडियो में आपको मैं ओपनिंग सिखाने वाला हूं, ओपनिंग जनरल ओपनिंग, जिसका दूसरा नाम है किंग पोन ओपनिंग। दोस्तों, ओपनिंग इसलिए सीखना जरूरी है कि मेरे अगले वीडियो में आपको ओपनिंग अगर आपने गलत की है तो आप कैसे लॉस होते हैं उसके बारे में दिखाऊंगा डिटेल में। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं ओपनिंग, तो गेम को शुरुआत कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में आपको कौन सी मूव्स करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपनिंग प्रिंसिपल सबको पता ही है कि सेंटर कंट्रोल, माइनर पीसेस डेवलप, जल्दी से जल्दी कैसल करो, ये सारे ओपनिंग प्रिंसिपल मैंने अगले वीडियो में दे दिए हैं आपको। तो आज हम सिखाएंगे ओपनिंग जनरल ओपनिंग। तो किंग पोन ओपनिंग में सबसे पहला मूव E4 आपको करना है। E4 आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। तो E4 करने से क्या होता है, सेंटर पे कंट्रोल होता है और दोनों साइड के पीस मतलब क्वीन के लिए रास्ता ओपन होता है, बिशप का भी रास्ता ओपन हो जाता है, तो दोनों पीस एक्टिव हो जाते हैं। ब्लैक को भी रिप्लाई देना है E5 से। आप ये ओपनिंग ब्लैक और व्हाइट दोनों से खेल सकते हो। सिमिलर मूव होते हैं लेकिन बाद में मिडल गेम में खेलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, अच्छी तरह से गेम ओपन हो जाती है, तो आप अच्छी फाइट कर सकते हो। अगर आपने ओपनिंग में कोई मिस्टेक कर दी तो आप गेम लॉस हो सकते हो, तुरंत लॉस हो जाते हो। और कैसी मिस्टेक है, ये सब मिस्टेक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो खास ध्यान रखिए और DSCA से जुड़े रहिए। तो चलिए नेक्स्ट मूव देखते हैं। व्हाइट को खेलना है Nf3। सेकंड मूव Nf3 करने से आप ये पॉन पे अटैक भी करते हो और आपका माइनर पीस डेवलप होता है जो ओपनिंग के रूल्स में है। तो ब्लैक को भी रिप्लाई देना है Nc6। इससे क्या होता है, ये पॉन को सपोर्ट मिलता है और ब्लैक का नाइट डेवलप हो गया। देखो, कोई भी मूव में अगर दो रीजन है तो आपको ज्यादा एडवांटेज है, मतलब डेवलप और साथ में अटैक, या डेवलप या साथ में डिफेंस। तो इसमें दोनों अलग अलग रिप्लाई दे रहे हैं, कोई डेवलप करके अटैक कर रहा है, कोई डेवलप करके डिफेंस कर रहा है, लेकिन दोनों के मूव सही है। अब व्हाइट खेलेगा Bc4। इससे क्या होता है, कैसलिंग के लिए जगह बन जाती है, तो आप कैसलिंग का रूल्स भी नेक्स्ट मूव में फॉलो कर सकते हो, इसीलिए आपने कैसलिंग के लिए तैयारी कर दी। अब ब्लैक Bc5। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बिशप को यहाँ रखने से बैड मूव होती है, क्योंकि हमारा ये पोन ब्लॉक होता है, ये बिशप डेवलप जल्दी नहीं हो सकता, इसलिए Bc4 सही मूव है। ब्लैक खेलेगा Bc5। यहाँ पे देखो, व्हाइट कैन कैसल और आप जब भी कैसलिंग कर सकते हो तो जल्दी से जल्दी आपको कैसलिंग कर देनी। नाउ व्हाइट कैसल, ब्लैक खेलेगा Nf6। ब्लैक को भी कैसलिंग के लिए जगह बना दी और ब्लैक का नाइट पॉन पे अटैक कर रहा है, मतलब ब्लैक ने इस बार अटैक के साथ डेवलप किया। अब व्हाइट को खेलना चाहिए Nc3, पॉन को सपोर्ट और माइनर पीस डेवलप। ब्लैक ने देखो लास्ट मूव में कैसलिंग के लिए जगह बना दी है, तो अब ब्लैक करेगा कैसलिंग। व्हाइट का एक बिशप अभी भी अंदर है, माइनर पीस डेवलप करने में अभी भी बिशप एक अंदर है, तो उसे खोलने के लिए आपको ये पॉन को एक स्टेप D3 खेलना है, ताकि ये पॉन से सपोर्ट भी हो जाए और बिशप का रास्ता भी ओपन हो जाए। ब्लैक भी अपना बिशप ओपन करेगा, लेकिन उससे पहले ब्लैक को भी एक ध्यान रखना है कि सामने वाला बिशप D5 पे आपे आपके नाइट को ब्लॉक कर देगा और बाद में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो उससे पहले ब्लैक को पॉन को एक स्टेप H6 करना है, ताकि बिशप यहाँ आ सके नहीं। अब ब्लैक ने पॉन चला दिया तो व्हाइट के लिए ये बिशप को निकालने के लिए D2 पे अच्छी जगह है। नाउ ब्लैक टर्न, ब्लैक को ये बिशप खोलने के लिए D6 खेलना है। अब ब्लैक का बिशप इधर नहीं आ सके, व्हाइट को भी अलर्ट रहना है, तो वो भी H3 करके उसके स्क्वायर्स कंट्रोल करेगा और ब्लैक Bd7। ये दोनों के लिए परफेक्ट ओपनिंग है, व्हाइट और ब्लैक दोनों के लिए परफेक्ट ओपनिंग है। अलग अलग मूव और अलग अलग कॉम्बिनेशन करके इसके बाद जो प्लेयर ज्यादा अच्छा खेलता है वो गेम जीतता है।
लेकिन अगर ओपनिंग में किसी ने मिस्टेक कर दी तो आप उसे पकड़ भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक ओपनिंग मिस्टेक देखते हैं कि अगर सामने वाला ओपनिंग मिस्टेक करता है तो आपको उसे कैसे हराना है। यही ओपनिंग, लेकिन मूव ऑर्डर अगर किसी ने बदल दिए और भूल गया है तो क्या होता है? e4, e5, शुरुआत के मूव तो सबको जल्दी याद रह जाते हैं। नाइट f3, nc6, बिशप c4, bc5, कैसल, नाइट f6, पॉन को सपोर्ट करो nc3 से। ब्लैक ने कैसल किया, व्हाइट ने पॉन चलाया, यहाँ ब्लैक ने मिस्टेक कर दी। हमने बताया था कि जनरल ओपनिंग में h6 पहले खेलना होता है, लेकिन किसी ने गलत सुन लिया और h6 के बजाय उसने a6 चला दिया, तो अब क्या होगा? अब उसका एडवांटेज आपको लेना है कि उसने मिस्टेक की ब्लैक। यहां से सीधा बिशप g5 नाइट को पिन कर दो। नाइट को पिन करने के बाद सामने वाला क्या करता है? अगर वो दूसरी मिस्टेक करता है यहाँ पे, सपोज सेकंड मिस्टेक मींस ये पोजीशन में उसने d6 कर दिया, अब आपको पिनिंग का एडवांटेज, पिन यानी वो डिटेल में हम देखेंगे, पिन का पूरा चैप्टर होता है जो एडवांस लेवल में सिखाया जाता है, तो हम बाद में देखेंगे पिनिंग। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये नाइट बिशप से पिन है, क्योंकि पिन इसलिए कि नाइट मूव करने जाएगा तो आपको उसके क्वीन मिल जाएगी और आप प्लस हो जाओगे गेम में। तो नाइट मूव नहीं कर सकता, तो उसका एडवांटेज कैसे लेते हैं? जब भी कोई पीस को आप पिन करते हो तो उसके ऊपर आपको दूसरा अटैक लाना है। यहाँ पे हम दूसरा अटैक जल्दी कौन आ सकता है ये देखते हैं। यहाँ पे नाइट d5 तुरंत नाइट का अटैक बढ़ता है। अब अगर वो नाइट से नाइट मारेगा तो फिर बिशप से उसकी क्वीन चली जाएगी। अब ब्लैक उसे पिन में से छुड़वाने के लिए हमारे बिशप पे सपोज ऐसे अटैक कर रहा है, यहाँ पे हमें करना है नाइट इंटू f6 चेक। तो दोस्तों चेक है, इसलिए वो पॉन से हमारे बिशप को मार नहीं सकता, तो वो क्वीन से भी बिशप नाइट नहीं मार सकता, क्योंकि बिशप से क्वीन मर जाएगी, और चेक भी है तो उसे चेक सेव करने के लिए ये पॉन से नाइट को मारना है। और अब क्या हो रहा है, ये पॉन से नाइट को मारा, उसका h6 वाला पॉन वीक हो गया, तो हम बिशप से उसको मार सकते। और दूसरा फायदा क्या हुआ कि रुक पे भी अटैक आ गया, अब वो रुक बचाएगा re8 करके, एक ही मूव है उसके पास। यहाँ पे हमें दो दो फायदे हुए, एक तो ब्लैक का पॉन एक्स्ट्रा मिला हमें, और दूसरा एडवांटेज कि सामने वाले का किंग जो कैसलिंग में था वो पूरा खुल गया और उसका कैसलिंग किंग सेफ्टी में से चला गया। अब हम प्लानिंग करेंगे चेकमेट के लिए। क्वीन अगर हमारी यहाँ से यहाँ चेक देती है, किंग h7 जाता है और बाद में हम मेट कर सकते हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। उसके लिए हमें पहले नाइट को हटाना जरूरी है। नाइट h5 खेलेंगे, h4। अब जैसे उसे पता चलता है कि ये क्वीन नेक्स्ट मूव में यहाँ आएगी, बाद में यहाँ चेक देगी और मेट करेगी, तो वो हमारी क्वीन का रास्ता सपोज रोकने के लिए नाइट d4 खेलता है। अब हमें जाना है क्वीन h5। अब देखिए दोस्तों चेकमेट की थ्रेट है, यहाँ से मेट इन टू मूव्स, क्वीन टेक्स f7 चेक, बिशप का सपोर्ट है, किंग जैसे ही h8 जाएगा क्वीन g7 से चेकमेट कर दे। अब ये चेकमेट सेव करने के लिए अपोनेंट के पास एक ही मूव है, क्वीन से उसे सपोर्ट करते हैं। अब हम मार नहीं सकते क्योंकि क्वीन से क्वीन मर जाएगी, हमारे दो दो पीस जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक और एडवांटेज मिलता है, आप लोग सोच के मुझे बताओ, 2 मिनट आप सोच सकते हो, बाद में मैं मूव बताता हूँ। यहाँ पे दो ही मूव में ब्लैक की चेकमेट हो रही है। ओके, यहाँ मैं बता रहा हूँ क्वीन d6 चेक। देखो पॉन एब्सोल्यूट पिन है, मैंने पिन के बारे में पहले भी बताया था, ये बिशप से पॉन पिन है, पॉन से क्वीन मर नहीं सकती, चेक आ रहा है, इसलिए अब उसे जाना पड़ेगा। ओनली मूव किंग h8, नेक्स्ट मूव में क्वीन g7 से चेक मेट। तो खास ध्यान रखो कि सामने वाला ओपनिंग मिस्टेक करता है तो उसे कैसे पकड़ा जाए।
जब भी कोई ओपनिंग मिस्टेक करता है तो शुरुआत से ही उसकी गेम दबा देनी है, मतलब शुरुआत से ही हमें अटैक कर देना है और ओपनिंग का एडवांटेज ले लेना है कि उसने ओपनिंग में गलती की तो हम उसे ओपनिंग में ही उसकी सजा दे देंगे, मतलब गेम हरा देंगे। तो खास ध्यान रखो, ओपनिंग प्रिपरेशन आपका बहुत ही जरूरी है। जितने मूव्स मैंने आज आपको बताए उसको आप रिपीट 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 करके कई बार रिपीट करो और मूव ऑर्डर भी नहीं बदले, इतनी तरह आप ओपनिंग तैयारी करो। उसके बाद आप अच्छी तरह से हर एक टूर्नामेंट में गेम खेल सकते हो। तो चलिए शुरू करते, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऑलवेज e4, ब्लैक खेलेगा e5, नाइट को डेवलप करो अटैक के साथ में, ब्लैक डिफेंस के साथ डेवलप करता है। Nc6 Bc4 कैसलिंग के लिए जगह बनाओ। सपोज आप मूव ऑर्डर यहाँ बदल सकते हो, लेकिन बदलना नहीं है। Bc5 कैसलिंग, अब उसको भी कैसलिंग करना है तो नाइट खेलेगा, पॉन पे अटैक, आप नाइट c3 पॉन को सपोर्ट करो, ब्लैक कैसलिंग करेगा, आपको ये पॉन खेलना है। अब आपको h6 याद रखना है, भूलना नहीं है। ब्लैक से अगर खेलते हो तो h6, व्हाइट से खेलते हो तो h3। अब h6 खेलने के बाद बिशप d2, ब्लैक ने खेला d6, उसका बिशप ओपन हो गया, तो तुरंत अलर्ट हो जाओ, h3 कर दो और बिशप d7, ये परफेक्ट ओपनिंग है दोनों के लिए। तो इस ओपनिंग की तैयारी करके आगे से आप अच्छी गेम खेल सकते हो। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।